हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फोर्थ व्लॉग और फिफ्थ व्लॉग नारकंडा से। शाम के बज चुके हैं 6:20 और जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था, हम यहाँ पे फंस गए भाई नारकंडा में। सड़क बड़ा कच्चा है भाई, साफ नहीं हो रही, हो भी रही तो ऊपर से एकदम बर्फ पड़ जा रही और माहौल आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ सफेदी है भाई साहब। मैं खुद फर्स्ट टाइम इतनी सारी बर्फ देख रहा हूँ लाइफ में। चक्राता देखी थी बट वो 1-2 घंटा पड़ी और फिर बंद होगी, बट यहाँ तो भाई लगभग 10 घंटे से ज्यादा हो गए बर्फ पड़ी रही, मतलब रुक रुक के कंटिन्यू 10 घंटे नहीं। तो फिलहाल हम थोड़ी मौज मस्ती करने नीचे जा रहे हैं, अगर हो गई तो मेन रोड पे आप लोगों को भी दिखा देंगे। अभी माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है यार, सर्दी लग गई बहुत, फिक्की फिक्की हवा चल रही, मतलब मध्यम मध्यम। और मेरा दोस्त रवि मेरे साथ आ रहा है भाई पीछे पीछे बर्फ को चीरते हुए जैसे मैं जा रहा हूँ आगे आगे। तो चलो जी, मिलते हैं हम आपको सीधा नीचे और देखते हैं सैलानी है या नहीं है या सब अपने होटल में पहुंच चुके हैं। चलो जी मिलते हैं। तो स्वागत है आपका इस व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। पहुंच गए हम नीचे मेन रोड पे और गाड़ियां जो है 4x4 ही कामयाब है यहाँ पे। जैसे कि सामने खड़ी है थार, बर्फ से ढकी भी है और ये पूरा शीशा बन गया बर्फ का नीचे भाई साहब। ये देखो कैसे शाइनिंग आ रही बैक लाइट की। तो ऐसे में चलना थोड़ा रिस्की है, फिसल जाते हैं जनरली। और रवि भी नीचे आ गया भाई, गाड़ियां जो है ढकी पड़ी पूरी बर्फबारी से। और फिलहाल यहाँ से ना कोई जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि सब कुछ बंद है। और अगर 4x4 हम करें स्पेशली ही जा रहे हो बुकिंग पे तो भाई 5000 से कम नहीं है रामनगर के यहाँ से। तो भाई यही है, अभी थोड़ा देखेंगे फिसल फिसलेंगे, रवि को मैं वीडियो बनवाऊंगा अगर गिरा नहीं तो। कैमरा ही बंद हो गया था भाई, ठंड में ऑटोमेटिकली अपने आप। और जेसीबी भी आ चुकी है भाई रोड साफ करने के लिए, लेट्स सी कि भाई सुबह तक कल तक रोड साफ हो जाए तो हम यहाँ से निकल लेंगे। रवि तो बारह साथी कहाँ चला गया, कहाँ है पता नहीं यार, आगे निकल के दिखता है। चलो भाई ग्लव्स की दुकान देख लेंगे। अरे वाह भाई, कोयला जला रखा, अरे ऐसे मजा आ जाएगा। तो कहाँ चलेगा साथी मारो, ये देखो भाई चैन बांध रखी टायरों में, ये है यहाँ पे कामयाब, इसके बिना तो बेकार ही है। चलो जी अब चलते हैं दुकान पे। तो जी फिर से स्नोफॉल जो है शुरू होगी और रवि भाई पर फोकस भी नहीं हो रहा, इतनी बर्फ पड़ रही। ये देखो हाँ, ये खड़ा रही भाई। और इसी के साथ साथ ये देखो भाई डॉगीज खड़े हैं, बस आपको बर्फ जमगी। ये देखो राजा झाड़ दे सारी बर्फ। और एक ये खड़ा इधर सफ़ेद। तो भाई हम तो ऊपर चल रहे, अब ज़्यादा ही बर्फबारी होने लगी फिर दोबारा से। ये आपको दिखाता हूँ मैं, लो भाई साहब फोकस भी नहीं हो रहा हमारे को तो। हाँ ये है देखो बर्फबारी भाई साहब, खतरनाक सारी भाई, 200 घंटे हो गए बर्फबारी हो रही है, बहुत ही बुरा हाल है भाई रे। यहाँ तो ज़्यादा ही बर्फबारी पड़ रही है, मौसम में कुछ नहीं दिखा रखा बर्फ होनी लेकिन पड़ रही है। ये देखो खतरनाक वाली, बहुत ही बढ़िया। तो भाई चलते हैं हम ऊपर, अब मिलेंगे कल रात। रूत को तो कुछ दिखने का है नहीं क्योंकि लाइट आ नहीं रही, सुबह मिलते हैं आपको लोगों को भाई। चलो जी मिलते हैं, चलते हैं धीरे धीरे। ये खड़ी है जेसीपी सुबह को रास्ता साफ करने के लिए। तो भाई साहब देखो कितना सोना लग रहा है चमखड़ा हुआ। लो जी 8:05 पे शाम को रात को खाना आ चुका है हमारा, खाना बहुत बेहतरीन है, गरम गरम है, रोटियाँ ही रही, चावल हैं और ये छोले हैं और ये मिक्स है आई थिंक, तो मस्त है खाना तो, फिर रंगत खाने की। चलो जी फटाफट खा लेते नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा। तो शाम का खाना हमने खा लिया है, आप लोगों ने देखा ये बढ़िया खाना था। अभी बस इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, छोटा सा ब्लॉग है ये, कल सुबह हम आपको मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। आई होप कि कल जो है मौसम वगैरह पूरा क्लियर रहेगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे, जैसे भी रहेगा आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा कल वाले ब्लॉग में। तो आज के लिए बाय बाय। और टेम्परेचर अभी -6 में है, शाम के बज चुके हैं लगभग 8:30। मिलते हैं गाइस आपको कल ब्लॉग में, टेक केयर एंड बाय बाय।